दोनों साइड में जंगल और ये बीच में से रास्ता, और ये हमारी गाड़ी यहाँ पे। Hey, good morning everyone, welcome back to Believe Your Passion and I hope all of you are doing absolutely fine. So guys, अभी हो गए हमारे ट्रिप का डे 3 और अभी हो गए सुबह के 7:30। तो अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो चेकआउट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे, और कवर करते हुए इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं आज का स्टॉप हम कहीं पे लेते हैं या फिर हम डायरेक्ट जाते हैं और रास्ते में डिसाइड करेंगे। कोई टाइम है हमारे पास, कोई टेंशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद सामान लोड करते हैं गाड़ी में, फिर आगे बढ़ते हैं। कल का वीडियो और इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, कैसे हम नोएडा से यहाँ पहुँचे, क्या क्या एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे किया, बैंगकॉक हम घूमने गए, तो वो सब चीज़ें आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलो यहाँ पे पूरा नैनीताल ना ऐसा ही है, हर तरफ यहाँ पे आपको इंक्लाइन नहीं तो डिक्लाइन मिलेगा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है प्लेन। कल जो हम गए थे ना जिस रास्ते में, वो तो बहुत खतरनाक रास्ता था। बहुत खतरनाक, वो भैया तो बहुत बढ़िया चलाया। चुटकी सी गाड़ी भी थी उनकी, ऑल्टो, हर जगह से निकल भी जाती थी चुटकी चुटकी रास्तों से। सो गाइस वी आर इन राइट नाउ गोइंग टुवर्ड्स कालाडुंगी, और क्या नजारा है गाइस आप लोग देखो। उस दिन हम लोग रात को क्रॉस किया था तो मैंने आपको दिखा नहीं पाया, तो अभी आप लोग देखो बस, व्हाट एन अमेजिंग व्यू गाइस। तो यह रास्ता सिर्फ 34 किलोमीटर का है नैनीताल से नीचे कालाडुंगी तक, और इसी 32 किलोमीटर में आप पूरा नीचे उतर जाएंगे। यहाँ पे भी ना बहुत सारे होम स्टेज और रिजॉर्ट्स है इस रास्ते में, तो अगर आपको लगे कि आप यहाँ पे रुक के थोड़ा एंजॉय करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप एक रात रुक सकते हो रिजॉर्ट्स या होम स्टे में। नैनीताल में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मतलब इतना कम छोटे से जगह में देर आर सो मेनी पॉइंट्स जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कल एक पॉइंट था जहाँ पे भैया बोल रहे थे कि ठंडा हवा निकलता है, तो उसको एसी पहाड़ बोलते हैं, एसी गुफा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एसी भी फेल है और गर्मी में ही वहाँ पे ठंडा हवा निकलता है। अगर ना आप लोग 7:30-8 बजे निकलोगे तो आप आराम से सब पॉइंट कवर करते हुए जा पाओगे विदाउट एनी भीड़। और हमारी गाड़ी अभी तक तो टच वुड ठीक है, उस दिन तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा था क्लच प्लेट का, तो मैं तो डर गया था कि भाई साहब फिर क्या हो गया नहीं हो गया। सीधा जाएंगे तो काठगोदाम, और यहाँ से हम राइट मोड़ लेंगे टुवर्ड्स रामनगर कालाडुंगी। तो अगर आपको ट्रेन पकड़ना है तो आप सीधा जाएंगे काठगोदाम ट्रेन स्टेशन। तो गाइज़ यहाँ पे उतरा है थोड़ा पानी लेने के लिए, पानी हमारे पास ख़त्म हो गया और हम लेना भूल गए। तो ये मंगोली बोल के कोई जगह है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो सामने ये होटल है, यहाँ पे भी आप रूम लेके रह सकते हो, अच्छे खासे रूम और होम स्टे सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हमने फिर से ले लिया एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि सबका थोड़ा बुरा हाल है, वोमिटिंग फील आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे 10 मिनट रुकेंगे, थोड़ा पानी उनी पीते हैं, कुछ बिस्किट देते हैं सबको ताकि वो फील चला जाए वोमिटिंग का, और इसके बाद फिर आगे निकलेंगे। ये हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। सो ये रोड देखो आप, इतना सुंदर लग रहा है ना यार, अमेजिंग लग रहा है। और ऐसे छोटे छोटे ढाबा आपको बहुत सारे मिल जाएंगे रोड साइड में,
तो आप आराम से यहाँ पे बैठो, फ्रेश खाना आपको मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट लंच जो भी आपको चाहिए। मुझे वोमिटिंग फील हो रहा है, बोलो हेलो, मुझे वोमिटिंग फील हो रहा है, मैं क्या करूं? सो गाइज, हमने ले लिया गर्मा गर्म चाय और यहाँ पे बैठ के बस चाय का मज़ा ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा चाय बनाया भैया ने। लुक एट द व्यू हियर, ये हमारी गाड़ी, ये देखिए ऊपर से पत्ता वगैरह कंटिन्यूअसली गिर रहा है, दिख रहा है आपको? और यहाँ पे पूरा जंगल, दोनों साइड में जंगल और ये बीच में से रास्ता, और ये हमारी गाड़ी यहाँ पे। क्या लग रहा है गाइस, व्हाट एन ऑसम व्यू, ये तो दो तीन फोटो खींचना बनता है, अमेजिंग लग रहा है गाइस। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हो रहा है, पत्तों का बारिश। सो गाइज, यहीं पे यही तक था हमारा पहाड़ी वाला रास्ता, अभी हम लोग कालाडुंगी पहुंच गए। तो यहाँ से अभी बस हमें प्लेन रास्ते में चलना है घर तक, जो है अराउंड 246 किलोमीटर। सो ही हम लोग रामपुर मुरादाबाद होके, गजरोला हापुर होके फिर हम लोग पहुँचेंगे नोएडा। अभी इलेक्शन के लिए बहुत सारा चेकिंग हो रहा है, तो जैसे ही आप कोई स्टेट क्रॉस करते हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री करते हो, तो आपका पूरा फुल गाड़ी चेकिंग होगा। एक्चुअली क्या है कि अभी ज़्यादा कैश लेके आप नहीं निकल सकते, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए बाजपुर, और यहाँ पे ये सब बहुत कम देखने को मिलता है आजकल क्रॉसिंग। सो गाइज, एक छोटा सा वॉशरूम ब्रेक हमने यहाँ पे लिया है, सोच रहे यहीं पे लंच कर ले, देखते हैं अगर रेस्टोरेंट अच्छा हुआ पीछे तो यहीं पे लंच करके आगे चलेंगे। इट्स 1:30 नाउ और यहाँ से तकरीबन 2 घंटा 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। और हमने यहाँ पे लंच ब्रेक लिया है, ये कैस हवेली बोल के है, तो बेसिकली करीम्स हवेली, और थोड़ा अच्छा लगा हमें। इस लाइन में वैसे भी ज़्यादा रेस्टोरेंट है नहीं, अच्छा है थोड़ा, मैं आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ। एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ओवरऑल आप देख लो एक बार तो इट्स नाइस। चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं खाना कैसा है। सो गाइस, ये रेस्टोरेंट जो हमने अभी ब्रेक लिया था लंच के लिए, काफ़ी अच्छा है, अल्लादीन न्यू हवेली ढाबा बोल के आपको मिल जाएगा। दिल्ली जाते वक्त, रामपुर से मुरादाबाद जाते वक्त हाथ के लेफ्ट में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी खाना था यार, मतलब अमेजिंग। दाल लिया था हमने, चिकन लिया था, तो इट वॉज फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, फ्रेश था, रोटी चावल दाल चिकन बहुत ही मस्त था। तो आप यहाँ पे अगर इस तरफ से जाते हो ना, और अगर आपको नॉन वेज खाना है तो यू कैन ट्राई दिस रेस्टोरेंट। हमने मुरादाबाद क्रॉस कर लिया है और रास्ता एज यू सी बटर स्मूथ और उतना ट्रैफिक भी नहीं है। Entering our basement or parking. Finally, we have reached. So guys, finally, we have reached our home. तो इस मतलब आज हमने 9 घंटे में ये जर्नी कवर किया है। सुबह हम लोग 9 बजे निकले थे और अभी एग्जैक्ट 6 बजे हम लोग घर पहुंच गए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमने इस ट्रिप में कवर किया है 622 किलोमीटर्स, और MID में माइलेज 17 दिखा रहा है, मतलब 15 मान लो।
ठीक है, तो ठीक है 15 पहाड़ों में जैसा सिचुएशन था उसमें 15 तो अच्छा ही माइलेज है। सो गाइज इस ट्रिप को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो आपने ये छोटा मोटा एक जो वीकेंड ट्रिप है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करके जाना यार, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और बड़े रोड ट्रिप में। और जैसे मैंने बताया था कि हम लोग प्लान करेंगे, तो थोड़ा बहुत माइंड में मैंने प्लान तो कर लिया कि मुझे नेक्स्ट कहाँ जाना है नहीं जाना है, और देखते हैं हो सकता है वो सब ट्रिप फैमिली के साथ होगा या फिर फ्रेंड्स के साथ होगा, वो डिसाइड करना है अभी, देखते हैं। तो अब इलेक्शन का भी टाइम है तो थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ जाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम में, वहाँ पे इलेक्शन है कि नहीं है, वो सब सोच के फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन देखते हैं, सब कुछ प्लान करके आपको बताएंगे। इंस्टाग्राम में आप जोड़ जाइएगा तो वहाँ पे आपको पता चल ही जाएगा। और एक महीना है मेरे पास ऑलमोस्ट सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए। एक दिन जाए गाड़ी भी चेक कराना है, उसका क्लच प्लेट जो स्मेल आ रहा था उसको देखना है कैसा है, अभी सिचुएशन नहीं है क्योंकि जाएंगे तो पहाड़ों में ही कहीं पे। और एक और चीज़ बहुत बड़ा एक चीज़ होने वाला है सामने, मैं थोड़ा सा हिंट दे के रखता हूँ आप लोगों को कि बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा बहुत जल्द। चैनल में जुड़ जाइए चैनल के साथ, और देखते रहिए हर वीडियोस हमारे साथ, और ट्रेवल करते रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट रोड ट्रिप में। तब तक के लिए कीप बिलीविंग योर पैशन एंड कीप चेसिंग योर ड्रीम्स। गुड नाइट, शुभरात्रि, शब्बा खैर, एंड बाय बाय गाइज। प्लीज टू सब्सक्राइब टू आर चैनल गाइज, प्लीज़ थोड़ा चैनल को हेल्प करो गाइज, अपने भाई को थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोगों का हेल्प चाहिए, और आपके हेल्प के बिना ये चैनल ग्रो ही नहीं हो सकता। तो प्लीज़ डू हेल्प अस एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल, ठीक है, और लाइक करके ज़रूर जाना। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, ओके बाय।